है कि पाइप की गहराई कितना है, जबकि सूख क्यों रहा है और पानी आखिर पहुंच नहीं रहा है। दूसरा इसी तरह का शौचालय भी एक है, शौचालय बनता तो नहीं है लेकिन पता नहीं कौन सर्वे करते हैं कि ODF उस वार्ड को उस पंचायत को मिल जाता है, ये भी जांच का विषय। पैसा मिला नहीं है, 12,500 ODF हो गया, शौचालय मिला नहीं ODF हो गया। और अभी जो मुजफ्फरपुर में जो कांड हुआ है मस्तिष्क रोग जो AES से बोलते हैं, उसमें शौचालय का भी एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि शौचालय नहीं होने से अनहाइजीनिक कंडीशन से बच्चे को ये बीमारी हुई है। ऑलमोस्ट मुजफ्फरपुर में देखा जाए तो 60% जो बच्चे एडमिट हुए हैं हॉस्टल में, उनके हॉस्पिटल में उनके घर में शौचालय नहीं थी। ये जांच का विषय है कि जब शौचालय 60% का नहीं था तो क्या उस जगह पर ODF कर दिया गया है, अगर किया है तो किस दबाव में किया गया है और क्यों किया गया है। शौचालय दूसरा घोट खसोट का एक मामला है। सात निश्चय में जो भी चीज हुआ नई गली है, इट वॉज अ कम्प्लीटली डिसऑर्गेनाइज सिस्टम के तरीके से हुआ। रोड बन गया तब ध्यान आया कि यहाँ नले बनाना चाहिए, रोड पे तोड़ा जा रहा है, नले पे बनाया जा रहा है, पैसे की बर्बादी सरकार की हो रही है। और ये बर्बाद पैसा सरकार का नहीं है, जो हम टैक्स में पैसा देते हैं ये वो पैसा है। सो कहा जाए तो बजट की हम लोग का पैसा जो हम सरकार को दे रहे हैं विकास के लिए, इस पैसे का गलत तरीके से इस्तेमाल करके लोग विपद करने के चलते कभी रोड बनाते हैं, तोड़ते हैं, फिर नली गली बनाते हैं और सरकार के पैसे की राशि की काफी बर्बादी हो रही। कुपोषण दूर करने के लिए काम करना, और ये सबसे ज्यादा प्राथमिकता। हम जब तक लोगों की
स्थिति में सुधार नहीं लाएंगे। और सबसे बड़ी चीज है उसके रहने का जगह नहीं हो, उसके कुछ काम करने के लिए उसको कुछ हम सहायता नहीं कर सकेंगे तो कोई उम्मीद करना, और उसको किसी तरह की बीमारी न हो इसके लिए जो भी काम पहले करना है उसके बचाव के लिए करना ही पड़ेगा। तो ये बहुत दुखद बात हुई है।